Hello and welcome students. Today we will learn about the structure of the earth. In the previous class we already learnt about rotation, revolution, international dead line, grid, etc. अब हम लोग structure of the earth के बारे में detail से पढ़ेंगे. Let us study about the detail of the interior part of the earth. तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग थ्योरी ने बताया जो कौन से साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वैगनर, जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि बहुत साल पहले पैंजिया और पैंथालसा इस तरह से लैंड मासेस और वाटर बॉडीज थे. धीरे धीरे पृथ्वी पर बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ और उसके कारण जो है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और वाटर बॉडीज बने. तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है. तो पृथ्वी का जो सबसे मिडल पार्ट है रेडियस, इक्वेटर, पूरा इक्वेटर जो एक रेडियस बनाता है और उसके अंदर बिलो द वाटर सरफेस ओशियन, ओशियन के नीचे से सरफेस बनता है, सतह बनता है और उसमें तीन लेयर को बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो क्रस्ट जो होता है वह आउटर मोस्ट लेयर और द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज नॉन एज क्रस्ट. तो यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को, सरफेस, सरफेस मतलब सतह, जमीन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वह क्या कहलाता है, क्रस्ट. देन मेंटल, मेंटल जो होता है मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड देन कोर, कोर दो भागों में बटा होता है, आउटर कोर और इनर कोर. यह पृथ्वी के सबसे अंदर बीच वाले हिस्से का हिस्सा होता है और यह बहुत ही गर्म होता है. तो जो आउट मेंटल जो होता है, सॉरी, क्रस्ट तो सबसे ऊपरी वाला सतह है जो जमीन से नीचे समुद्री सतह से 5 किलोमीटर नीचे तक रहता है. तो उसमें नॉर्मली क्या होते हैं, फर्टाइल लैंड होता है. थोड़ा नीचे जाओगे तो उसमें मिट्टी, कंकड़, बालू ये सब होते हैं. देन मेंटल, मेंटल जो है वह रॉकी सरफेस है और वह रॉक जिसमें कि रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से बना होता है. उसके बाद आउटर कोर जो है वह क्या है, सेंटर है. आउटर कोर जो है वह सेंटर है अर्थ के अंदरूनी भागों का. तो वह जो है क्या चीज से बना हुआ है, उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नीफे. एन आई जो है यह लैटिन निकेल को बताता है और एफ ई से आयरन, फेरियम. तो इस सेंटर को, आउटर और इनर कोर को नीफे के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे निकेल और फेरियम बहुत ज्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बाहरी सतह जो हमें कुछ मायनों में दिखाई देता है. तो पृथ्वी जो है वह क्या है, थर्ड बाय फोर्थ, क्या चीज से ढका हुआ है, पानी से. उसमें एक भाग जमीन है और तीन भाग क्या है, थर्ड पार्ट वाटर एंड वन पार्ट लैंड. तो जो लैंड का हिस्सा है वह पूरा जो कॉन्टिनेंट है, सेवन कॉन्टिनेंट्स है. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सेवन, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. कौन कौन सा है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका,
उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट इन ऑल. और जो वाटर बॉडी हैं, देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड. ओशियन जो होता है क्या होता है? ह्यूज वाटर बॉडी. ह्यूज वाटर बॉडी ओशियन. तो कितने ओशियन हैं? 5 ओशियन हैं. कौन कौन सा? सबसे पहले द पैसिफिक ओशियन. यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है. ओशियन को हिंदी में बोलते हैं महासागर. तो ओशियन जो है सबसे बड़ा कौन सा है? द पैसिफिक, देन द अटलांटिक, उसके बाद द आर्कटिक. सॉरी, आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट. द इंडियन ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन, इट इज ऑल्सो नॉन एज साउदर्न ओशियन एंड ओशियाना. एंड द स्मॉलेस्ट इज द आर्कटिक ओशियन. जो पैसिफिक है, यह दुनिया का सबसे गहरा, डीप एंड लार्ज, ह्यूज. इट इज द लार्जेस्ट इन ऑल द ओशियन. जितने भी ओशियन हैं उसमें सबसे बड़ा है पैसिफिक और दूसरा है अटलांटिक. इट इज द बिजिएस्ट सी रूट. यह जो अटलांटिक है, यह दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग रूट है इसका समुद्री रास्ते में, और सबसे यह बिजी रहता है, व्यस्त है. यह नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है. द इंडियन ओशियन, द अंटार्कटिक एंड द आर्कटिक ओशियन. इज दैट क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, वह किन किन चीजों से उसमें बदलाव आते हैं. चेंजेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो आप अक्सर अपने आसपास देखते हैं क्या होती है, बारिश होती है, कभी आंधी आता है, तूफान आते हैं, धूप बहुत तेज निकलता है, कभी ठंड का मौसम रहता है. तो इस तरह से जब बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है, पहाड़ से बालू या रास्ते में आप देखते हैं कभी कभी सड़कें बिल्कुल साफ दिखाई देती है, रोड क्या होता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है. और कभी कभी आप देखेंगे कि जो कहीं कहीं से जो ऊपरी सतह से नीचे की तरफ पानी आती है तो क्या होता है, ग्लेशियर. जैसे हम लोग ग्लेशियर तो जाके हमेशा देख नहीं सकते हैं, लेकिन पहाड़ के जो बालू होते हैं, जो रॉकी सरफेस होते हैं, जब बारिश तेज होती है तो ऊपर से वो बह के सेडिमेंट्स, रॉकी सेडिमेंट्स कहाँ जाते हैं, नदियों के पास और दूसरे जगहों पे. तो इससे उसमें बदलाव होता है. कभी कभी अर्थक्वेक आपने भी महसूस किया होगा, भूकंप, सुनामी, फ्लड, इन सब के कारण पृथ्वी के सतह में बदलाव आता है. और वोल्केनो या वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन जब ज्वालामुखी फूटता है, सुनामी, फ्लड, इन सभी और भी बहुत सारे साइक्लोन, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, जमीन का भाग जो है या तो कभी उसमें दरारें आ जाती हैं, कभी वह ज्वालामुखी ऊपर की ओर आता है तो उससे मोल्टेन रॉक्स एंड लावा निकलते हैं, जिससे क्या बन जाता है, माउंटेन्स बन जाते हैं. तो इस तरह से आगे आप लोग पढ़ेंगे क्रेटर्स बन जाते हैं. तो इस तरह से
जमीन के सतहों पर डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर आर्चेस बन जाते हैं समुद्र में सुनामी आने की वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस जो हैं वह कैसे चेंजेस, जैसे प्लेन बन जाता है, माउंटेन बन जाते हैं, हिल्स बन जाते हैं, वैली बन जाते हैं, तो ये सब किन कारणों से बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन इत्यादि के बारे में। आज आप लोग अच्छे से पूरे इस वीडियो को देखें, समझें और चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको याद करें और बार बार उसको अच्छे से प्रोनाउंस करें। उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपके पास पूरा समय रहता है, बुक को अच्छे से रीड करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।